हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा स्वीट होम एसेंस। कैसे हैं आप सब लोग? गाजर का मुरब्बा शेयर कर रही हूँ और ये गाजर का मुरब्बा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। जिन लोगों का भी बीपी लो होता है या एनर्जी लेवल लो होता है या कमज़ोरी फील होती है इस गर्मी के मौसम में, बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है, तो आप ये बनाएंगे और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो इसका जो सिरप है वो भी उतना ही इफेक्टिव है। अगर आप मुरब्बे के साथ एक सिरप लोगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ गाजर का मुरब्बा शेयर कर रही हूँ। और जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कॉमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं। तो चलिए बनाते हैं गाजर का मुरब्बा। आपको 1 किलो गाजर लेनी है, उसको अच्छे से धो के और पील कर लेना है और सुखा लेना है ताकि उसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे, या पोंछ लीजिएगा। अब आपको इसको काट के बर्तन में रख लेना है और उसमें हम चीनी डालेंगे, जिसमें आप बना रहे हो उसी में आप रख लेना इसको काट के, और साथ में ऊपर से आपको चीनी डाल देनी है। आपको इसको मिक्स करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि गाजर अपना ही पानी रिलीज कर देगी। देख सकते हो चीनी मेल्ट हो गई है, गाजर ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। आप इस चीनी की जगह गुड़ और वाइट शुगर भी डाल सकते हो। अब हमें गैस ऑन करनी है और जैसे ही हल्का सा ये गर्म होगा तो हम इसमें 2 चम्मच जो है वो नींबू का रस, लेमन जूस वो डाल देंगे। हमें सिर्फ 1 उबाल आने तक की वेट करनी है और जब 1 उबाल आ जाएगा तो गाजर को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर बाद में सिरप को पकाएंगे। सारी गाजर को बाहर निकाल रही हूँ। इसको 10 से 12 मिनट आपको पकाना है और कोई भी तार फॉर्म नहीं करनी, बस स्लो हीट पे पकाना है। गैस बंद करने से 2-3 मिनट पहले हम इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे और 2-3 मिनट के बाद फिर हमें गैस को ऑफ कर देना है। गैस मैंने ऑफ कर दी है और अब इस सिरप को थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें गाजर को ऐड कर देना है और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो हमें एक साफ बर्तन, एकदम सूखा हुआ, और उसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ग्लास जार हो तो बेटर है, तो उसमें हमें इसको भर के रख देना है और 4-5 दिन हमें वेट करनी है इसकी। आपको वेट करनी है और हर दिन आपको वुडन स्पून से इसको मिक्स करना है और इसके बाद आप कभी भी इसको खा सकते हो और आपको इसको फ्रिज के अंदर ही रखना है। ये मुरब्बा बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।